हाय एवरीवन, हाय आप सभी को। मैंने VCW टूर का एक वीडियो बनाया था जिस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे VCW हॉस्टल को लेकर। तो आज का मेरा वीडियो VCW के हॉस्टल को लेकर है, जिसको वसंत आश्रम के नाम से जानते हैं। वसंत आश्रम में 3 हॉस्टल हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल मिलने की क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपका नंबर देखा जाता है, आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद जो दूसरी क्राइटेरिया है, आपके घर की दूरी देखी जाती है। इन दोनों को मिला के आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं VCW के फीस को लेकर। तो यहाँ पे हर साल फीस इंक्रीज होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 72,000 से 79,000 तक देना होता है। उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आते हैं, आपकी फीस कम कर दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ के खान पान को लेकर। तो यहाँ पे हर वीक मेन्यू डिसाइड होता है मेस मैनेजर्स जो होते हैं उनके द्वारा, और हर दिन का मेन्यू तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, आपको लंच मिलता है, आपको रिफ्रेशमेंट में जैसे कि विंटर्स चल रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फ्रूट दिया जाता है। अगर गर्मी का दिन है तो फ्रूट या फ्रूट जूस आपको मिलता है। फिर आता है मिल्क टाइम। इसमें आपको दूध लेना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसी के साथ आपकी अटेंडेंस ली जाती है। तो एक मिल्क टाइम है, उसके बाद आपको डिनर मिलता है। अब बात करते हैं वसंत आश्रम में रहने के तरीके क्या हैं, नियम क्या हैं। तो जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है उसे 1 महीने में 1 संडे बाहर जाने दिया जाता है। जैसे कि 1 महीने में 4 संडे आते हैं, तो आप किसी 1 संडे ही बाहर जा सकते हैं। और बाहर जाने के बाद आपको हॉस्टल आने का जो टाइम है वो 4:30 से 5 के बीच आप आ सकते हैं। 5 डेडलाइन होता है। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को 1 महीने में 3 संडे दिया जाता है बाहर जाने के लिए। तो आप 4 संडे में किसी भी 3 संडे बाहर जा सकते हैं। आपको घर जाने की अनुमति नहीं मिलती है बिना किसी फेस्टिवल के, जैसे कि दुर्गा पूजा, होली, दिवाली। इसके अलावा आप घर नहीं जा सकते। और ख़ासकर जब एग्ज़ाम का डेट आ गया हो तो आप उसके आसपास घर बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आपको घर जाना ज़रूरी है, जैसे कि शादी या फिर कोई फंक्शन है, तो आपको डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन देना होता है, तब आप घर जा सकते हैं। तो ये नियम BA, BEd, MA, MEd सबके लिए एक जैसा है। अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दी जाती है बच्चों को। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चा होता है उन्हें योगा क्लासेस दी जाती हैं, जो सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें म्यूजिक या फ्रेंच क्लासेस दी जाती हैं, और जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं थर्ड ईयर या एमए सेकेंड ईयर, उनको ब्यूटीशियन का कोर्स दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ये करना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं कि रूम कैसे मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको 8 सीटर या 5 सीटर रूम मिलते हैं, मतलब आपको 8 या 5 बच्चों के साथ शेयर करना होता है। सेकेंड ईयर में आपको 3 to 5 सीटर रूम मिलता है, और थर्ड ईयर में आपको 3 सीटर रूम मिलते हैं। सिंगल रूम सिर्फ हैंडीकैप्ड और एमएड में, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरी होता है, उन्हें दिया जाता है। अब बात करते हैं कि वसंत आश्रम में, VCW के आश्रम में रहने के फ़ायदे और सुविधाएँ क्या हैं। तो सबसे पहले कि वीक में एक बार धोबी भैया आते हैं आपका कपड़ा धुलने के लिए। आपको जिम प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही आपको हॉस्पिटल की सुविधा भी मिलती है। आपको साल में एक बार ट्रिप पर ले जाया जाता है, जैसे कि वाटर पार्क हो गया या फिर मूवी दिखाना हो गया, तो आपको ट्रिप पर भी ले जाया जाता है। आप जब एग्ज़ाम होते हैं तो हमें एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए BHU कैंपस जाना होता है। तो हॉस्टलर्स के लिए कॉलेज फ्री में बसेज प्रोवाइड करती है वहाँ तक जाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है कि वहाँ पे राजघाट बीसेंट स्कूल है, जो कि VCW का ही है। वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस कराए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, डिवोटीज आते हैं, तो उनका शो दिखाया जाता है। तो वो देखने का मौका सिर्फ जो हॉस्टलर्स होते हैं, जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं, उन्हें ही दिया जाता है। बाकी वहाँ पे सरस्वती पूजा, जन्माष्टमी पूजा का सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे से होता है। आपको फ्रेशर्स पार्टी दी जाती है, आपकी फेयरवेल पार्टी दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको वसंत आश्रम में मिलती हैं। तो ये रही वसंत आश्रम के बारे में जानकारी, क्योंकि जिसमें रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।